रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो टूक कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो का विस्तार रोके तभी तनाव कम हो सकता है। पुतिन यह शर्त भी रख रहे हैं कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन को लगता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो वह रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्तोनिया और लिथुआनिया साल 2004 में नाटो में शामिल हो गए थे। क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हो गए थे। जॉर्जिया और यूक्रेन को भी 2008 में नाटो की सदस्यता मिलने वाली थी, लेकिन दोनों अब भी बाहर हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन संकट के बहाने अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया को चुनौती दे दी है। कहा जा रहा है कि अब दुनिया फिर से दो ध्रुवीय हो रही है और अमेरिका को चीन के साथ रूस से भी चुनौती मिल रही है। लेकिन दुनिया दो ध्रुवीय तभी होगी जब बाकी के देश भी अमेरिका और रूस के साथ लामबंद होंगे, जैसा शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिका के साथ नाटो में शामिल सभी 30 देश तो हैं और एशिया की अहम शक्ति जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ है, लेकिन रूस के साथ कौन कौन से देश हैं, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात चीन की। चीन भी रूस की तरह नाटो का विस्तार नहीं चाहता है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तो चीन ने बातचीत जारी रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि उनका देश चाहता है कि सभी पक्ष आपस में बातचीत और सलाह मशविरा जारी रखें। चीन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी देश शांतिपूर्ण माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल निकालें। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वे नए शीत युद्ध की किसी भी कोशिश को सफल न होने दें। यह भी कहा जा रहा है कि रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध बढ़ रहा है, ऐसे में चीन ही उसे मदद करेगा। अभी अमेरिका को विश्व राजनीति के कई मुद्दों पर चीन और रूस साथ मिलकर चुनौती दे रहे हैं। अब भारत की बात करें तो भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी। कहा जा रहा है कि भारत के लिए रूस या अमेरिका में से किसी का भी खुलकर पक्ष लेना मुश्किल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुछ भी कहा उसमें ना तो रूस की निंदा थी और ना ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात कही थी। हालांकि भारत ने यह भी कहा कि इस समस्या का समाधान कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही संभव है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत का रुख रूस के पक्ष में झुका रहा है। साल 2014 में रूस ने जब यूक्रेन से क्राइमिया को अपने में मिला लिया था तब भी भारत ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन भारत के लिए अब गुटनिरपेक्ष रहना इतना आसान नहीं होगा। अब चलते हैं क्रोएशिया की तरफ। क्रोएशिया साल 2009 में नाटो में शामिल हो गया था, लेकिन यूक्रेन संकट पर क्रोएशिया की भाषा नाटो के आधिकारिक बयान की तरह नहीं है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने पिछले महीने कहा था कि रूस के साथ संघर्ष छिड़ता है तो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। हालांकि पुतिन ने जब यूक्रेन के दो अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी तो क्रोएशिया ने इसकी निंदा की। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरे पर अलाई डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति का यह दौरा उस संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि रूस को लेकर उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। आखिर में बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस बेहद नाजुक पल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर गए। इस दौरे को इस रूप में भी देखा जाएगा कि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान जिस अमेरिकी खेमे में था उससे अब दूर हो रहा है। इमरान खान के दौरे के समय को भी काफी अहम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे एक संकेत जाएगा कि पाकिस्तान अपना पक्ष चुन रहा है और वह अमेरिका और पश्चिम विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहा है।